ये है पुराने पेरिस की एक गुमनाम सी गली और इस गली में मेरे ठीक पीछे है वो अपार्टमेंट जिसमें एक मशहूर पेंटर रहते हैं, सैयद हैदर रजा। और ये है रजा का स्टूडियो जहाँ रंग ही रंग हैं, तरह तरह के ब्रश हैं, कैनवसेस हैं, पेंटिंग्स हैं, पैर रखने के लिए जगह ढूंढना मुश्किल है। पिछले 30 वर्षों में यहीं उन्होंने बिंदु, मंडला, कुंडलिनी और सौराष्ट्र जैसी मशहूर पेंटिंग्स बनाई और अब भी यहाँ कुछ अधूरी पेंटिंग्स हैं जिन्हें वे पूरा कर रहे हैं। लेकिन दिसंबर में यहाँ कुछ भी नहीं होगा क्योंकि भारत के सबसे महंगे पेंटर रजा ने अपनी बाकी जिंदगी भारत में गुजारने का पक्का इरादा कर लिया है। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि 60 साल पेरिस में रहने के बाद 88 साल की उम्र में वे भारत क्यों जा रहे हैं। देखिए, भारत जाने से ही बड़ा आनंद मुझे मिलेगा, ये सुख का हम वर्णन भी नहीं कर सकते। यही वही भारतीय जान सकता है जिससे देश से प्रेम हो। सरल बात है, मैं चाहता हूँ कि यह हो सके। मेरी पत्नी जानिन मोजिला का देहांत हो चुका है 2002 में। मैं यहाँ अकेला हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है और मैं चाहता हूँ कि अब इस समय देश आ सकूँ और जो समय है मंदिरों में जा सकूं, मस्जिद में जा सकूं, गिरजाघर में जा सकूं, मित्रों से मिलकर हिंदी में बात हो सके, संस्कृत के श्लोक सुन सकूं। तो पहले क्यों नहीं हो पाया आपका भारत जाना? देखिए, मेरी पत्नी जानिन मोजिला अपने परिवार में एक लौटी बेटी थी और उनकी माता पिता ने ये मुझसे आर्जू की कि आप यहीं रह सकें तो अच्छा होगा। और मुझे फ्रांस बहुत पसंद है, यहाँ काम करने की सुविधा थी, मैं रह गया क्योंकि मेरे लिए चित्र बनाना सबसे बड़ी बात थी। मैं यहाँ रहा मगर देश से संबंध हमेशा जारी रहा, देश के मित्र आते रहे, हिंदी बोलता रहा, हिंदी पुस्तकें पढ़ता रहा, ये देश को भूला नहीं। हाँ, दूर था मगर मेरा विश्वास है कि मैंने देश छोड़ा ही नहीं है, जैसे मैं हमेशा वहीं रहा हूँ। इसीलिए मैंने अपना भारतीय पासपोर्ट बनाए रखा है। यहाँ 60 साल विदेशी रहा हूँ। अब देखिए, फ्रांस को धन्यवाद कहते हुए भी चाहता हूँ कि फिर से मैं अपने देश लौट सकूँ और उसी धरती को चूम सकूँ जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। भारत की वो कौन सी यादें हैं जो 60 साल तक यूरोप में रहने के बाद, फ्रांस में रहने के बाद, जिनको आप भूल नहीं पाए हैं? देखिए, बचपन की यादें तो ऐसी हैं कि पहले मध्य प्रदेश में मंडला डिंडोरी निवास, जहाँ पिताजी रहते थे, वो देखे के जानवर, पक्षी, मंदिर, पहाड़, नदियाँ, बहुत ही सुंदर बातें हैं। और मैं बहुत ही मामूली विद्यार्थी था, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत ही अच्छे शिक्षक मिल गए जिन्होंने मुझे दिशा दी। उन्होंने देखा कि मैं चित्रकला में कुछ कर सकूँगा और उन्होंने सोचा कि इनको आर्ट की शिक्षा मिल सके तो अच्छा है। अब आप वापस वहीं मंडला जाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश के अपने छोटे से गांव में, लेकिन आप क्या वहां रह पाएंगे इतने साल तक, 60 वर्षों तक फ्रांस में रहने के बाद? मैं जीवन में यहां जो आते हैं वो बात दूसरी है, मगर मैं वहां की बातों को अपना लूंगा और उस प्रकार से रखूंगा जिस प्रकार से वहां रहना चाहिए। मैं अपनी भाषा बोलता हूँ, अच्छी तरह से भाषा बोलता हूँ, वहाँ के गांव के लोगों से कहूँगा काय भैया कहाँ जाते हो, मज़ा आ जाएगा। और वो भी मुझसे बोलते रहेंगे, मगर मैं जाऊँगा दमोह मंडला इसलिए कि वहाँ की यादें हैं और उन स्मृतियों को मैं फिर से जगाना चाहता हूँ। आप फ्रांस से निकलकर जहाँ की आपने 60 साल बिताए हैं वापस भारत जाना चाहते हैं, तो क्या भारत में आपको फ्रांस नहीं याद आएगा?
फ़ोन से याद तो आएगा, मगर ये देखिए बात दूसरी होती है कि हमारा देश ही है और उससे जो हमारा आत्मा का शरीर का संबंध है वो दूसरा होता है। फ्रांस को कभी नहीं भूल सकता। ये देखिए कि चित्रकला की पहचान तो फ्रांसी ने दी। फ्रांसीसी पेंटिंग से आपका लगाव या आपका प्रेम था जो आपको फ्रांस ले आया, तो कैसे आपका फ्रांस आना हुआ उसके बारे में बताएं। विशेष रूप से फ्रेंच आर्ट दो शताब्दियों से बहुत ही सुंदर रहा है और वो मुझे पसंद आया। उसको मैंने किताबों में देखा, रिप्रोडक्शंस में देखे बम्बई में, और मैंने तय किया कि अगर मैं कहीं विदेश जाऊँगा तो फ्रांस ही जाना चाहता हूँ। तो फ्रेंच कौंसलेट हमारे दोस्त थे, हमारे चित्र पसंद करते थे, उन्होंने कहा कि देखिए आप अगर फ्रेंच सीख जाएं तो आपको स्कॉलरशिप दी जा सकेगी। तो मैंने दो साल फ्रेंच सीखी और मैं पेरिस आया। 1950 के दशक में आप फ्रांस आए, शुरुआत के दिन आपके कैसे थे, वो वर्ष कैसे थे जब आप यहाँ पर सेटल हो रहे थे? मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये ऐसा हो सका कि मैं पेरिस आया। मुझे आते के साथ ही प्रेम फ्रांस से एक प्रकार का लगाव हो गया, प्रेम हो गया, और मैंने सोचा कि यहाँ रहकर चित्रकला बनाना चाहिए। चित्र सीखना का इच्छा थी, चित्रों की क्या रेखाओं और रंगों का क्या महत्व है चित्रों में, ये मैंने फ्रांस में ही सीखा। मगर मानिए इसके लिए 20-30 साल लगे, आसान बात नहीं थी। हमारे यहाँ विद्यार्थी 2-3 साल में चित्रकला बनाना शुरू करते हैं और अपने को चित्रकार मानते हैं। मुझे 20-25 साल लगे और मैंने बहुत ही धैर्य से काम किया और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत ही खामोशी, बहुत ही एकांत ढूंढने और काम करने के बाद कुछ अच्छे फल मिले, जिसकी लोगों को, जो लोगों को पसंद आए। वो कैसा समय था जब आपकी पेंटिंग अचानक से उसमें भारत के चिन्ह, भारत के प्रतीक, भारत का जीवन, भारत का दर्शन, ये सब चीज़ें दिखाई देने लगी, ये कैसे हुआ, कब हुआ? 78 सन में अपने से कहा कि देखो ये काफ़ी नहीं है, तुम्हारा देश कहाँ है, तुम्हारे चित्तों में देश के विचार कहाँ हैं? और मैंने तभी से देश के विचार ढूंढना शुरू किए और यंत्र मंत्र बिंदु वगैरह उसके बाद ही मेरे चित्तों में आए, ईश्वर की कृपा से। आपके 3 या 4 अच्छे दोस्त बड़े पेंटर, आप, तैयब मेहता, सुजा, ऐसे सारे लोग भारत से निकल आए और उन्होंने भारत से बाहर पेंटिंग की और बहुत नाम कमाया। क्या आपको लगता है कि भारत में रहकर ऐसा कर पाना संभव नहीं था, या भारत में अगर आप होते तो आपको ये पहचान नहीं मिलती? देखिए ये इमेजिनेशन करना बहुत ही कठिन बात है। मेरे ख्याल से जब मुझे आना था मैं आया और मैंने जो काम किया वो काम किया, और अब लौटना है तो अब लौटना है। अब ये देखिए जो कुछ हुआ है हो गया है, और तो क्या।